हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं पर के अर्थ में ऑन, अपॉन एंड ओवर। ये विशेष कंडीशन में प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द। वो कौन कौन सी कंडीशन होती है पर के अर्थ में, ऊपर लिख लेते हैं यहीं पे, पर के अर्थ में। तीन शब्द पर के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये जानते हैं कि ऑन का प्रयोग कर लिया हमने। बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है आप। कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे मैं शुरू करता हूं वीडियो, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में से शेयर करें। बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए जितना जल्दी हो सके वीडियो शुरू करते हैं। ऑन, अपॉन एंड ओवर। ऑन, सबसे पहले ऑन को देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, पर शब्द को ध्यान देना, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल। कंडीशन में बताऊंगा, अभी तीनों को डिफाइन करूंगा। दूसरी कंडीशन देख लेते, बिल्ली मेज पर नाच रही है, बिल्ली मेज पर नाच रही है। द कैट इज डांसिंग अपॉन द टेबल। तीसरी कंडीशन ओवर। सूर्य सिर पर चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग ओवर द हेड। तीनों सेंटेंसेस एक बार फिर से केयरफुली देख लेते हैं। किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, बिल्ली मेज पर नाच रही है, द कैट इज डांसिंग अपॉन द टेबल, सूर्य सिर पर चमक रहा है, द सन इज शाइनिंग ओवर द हेड। अब आप सोच रहे होंगे, सर पर शब्द के लिए तीनों सेंटेंसेस में आपने पर लिखा, लेकिन इनकी मीनिंग अलग अलग क्यों है? लिख तो दिए हैं लेकिन क्यों है, इसको डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। किताब मेज पर है, मेज पर किताब के होने का मतलब मेज से उस किताब का संबंध जुड़ा हुआ है। जब संबंध जुड़ा हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ऑन। बिल्ली मेज पर नाच रही है, नाचने में गति है, मूव कर रही है। जब कंडीशन गतिशील अवस्था की हो ऐसे में पर शब्द के लिए अपान। तीसरी कंडीशन, सूर्य सिर पर चमक रहा है, द सन इज शाइनिंग ओवर द हेड। ओवर द हेड, सिर से बहुत ऊपर चमक रहा है, ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे पर के अर्थ में, ओवर। उम्मीद है अब आप लोग समझ चुके होंगे। ऐसे और भी एग्जांपल लिखिए, स्वयं डन कीजिए, उसे ट्रांसलेट कीजिए। इन्हीं उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। जय हिंद, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।